वरुण सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वरुण, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास, डिटेल्स है, खत लिखा है मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? देखिए, आपको याद होगा दो दिन पहले जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि दिल्ली की कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है और ऐसे में उपराज्यपाल को ये इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उपराज्यपाल की बनती है, गृह मंत्रालय की बनती है, तो सरकार ये तय करे केंद्र सरकार की किस तरीके से दिल्ली की कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। आज एक पत्र लिखकर सीधे तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल पर निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल ने, कहा कि पिछले 48 घंटे में चाहे वो आरकेपुरम की घटना हो या फिर जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में एक छात्र की निर्मम हत्या की बात हो, लगातार दिल्ली में एक के बाद एक इस प्रकार की चीज सामने निकल के आ रही है और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को लेनी होगी क्योंकि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के माध्यम से वही संभालते हैं। देखिए वरुण, टेक्निकली तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर केंद्र की ही जिम्मेदारी बनती है, लेकिन देखिए जब भी कानून व्यवस्था की बात हो रही है, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात हो रही है, तो यहाँ पर टोपी ट्रांसफर का गेम चल रहा है। राज्य सरकार केंद्र की बात करती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की, मतलब दिल्ली सरकार की बात हो रही है। देखिए, हालात जो हमेशा देखने को मिले हैं, आपको याद होगा कि शायद ये राजनीतिकरण हमेशा से देखने को मिला है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जब भी दिल्ली में कोई घटना होती है तो ऐसे में आम आदमी पार्टी या फिर दिल्ली सरकार को एक ऑप्शन मिल जाता है और इसी उस माध्यम से कहीं ना कहीं वो आरोप लगाते हुए नजर भी आते हैं। आज भी जो पत्र लिखा गया है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि पिछले कुछ दिनों में जो परिस्थितियां दिल्ली के अंदर बनी है वो बेहद चिंताजनक है, कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है, ऐसे में इस हालात के पीछे जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा, ये तमाम ऐसे सवाल है जिसको उठाया है अरविंद केजरीवाल ने और इस लेटर के माध्यम से सीधे तौर पर कटाक्ष कसा है केंद्र सरकार पर भी और उपराज्यपाल पर। जी बिल्कुल वरुण, देखिए राजनीति से परे लेकिन मामला ये मसला बहुत ही गंभीर है, खास तौर पर अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों की बात करें तो महिलाओं को काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है और एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए महफूज नहीं है? देखिए, लगातार एक के बाद एक घटना, पिछले 6 महीने की अगर बात करें, आपको याद होगा कंझावला वाला केस के बाद उस समय भी काफी सवाल उठे दिल्ली पुलिस के पूरे जांच अभियान को लेकर, उसके बाद जिस प्रकार से अभी छात्र की दिल्ली यूनिवर्सिटी में साउथ कैंपस में निर्मम हत्या हुई उसके बाद उसके पिता ने ये सवाल उठाया कि जो आईओ है वो उनका फोन नहीं पिक कर रहे, तो ऐसे में जांच को लेकर लगातार सवाल उठते रहे दिल्ली पुलिस के ऊपर हमेशा से और शायद यही वजह है कि जब भी सवाल उठते हैं तो वो मुद्दा पॉलिटिकल बनता हुआ नजर भी आता है क्योंकि विपक्ष या फिर जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होता है उस पर दूसरे लोग सवाल उठाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली पुलिस के कामकाज को लेकर या फिर इस पूरे मामले पर राजनीति को लेकर एक दूसरे के सामने जरूर निकल के आ रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जो परिस्थितियां पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर बनी है वो बेहद चिंताजनक है और कई सारे सवाल भी खड़े करती है। बिल्कुल बिल्कुल, हालात ऐसे बन गए हैं वरुण की ये मसला सिर्फ पॉलिटिकल ना रह जाए, सीरियसली भी लेना पड़ेगा इन जिम्मेदार लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।